हेलो गाइस, तो आ चुके हैं स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस से। अब सोशल के हम दो चैप्टर कर चुके थे, नेशनलिज्म इन इंडिया और डेवलपमेंट। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं। आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स। मैथ्स भी क्लास 10 का है, सिमिलरली 9th से थोड़े से एडवांस लेवल पे ले। थोड़े बहुत चैप्टर ऐसे हैं जो नए हैं आपके लिए, बाकी तो एज यूजुअल 9th से। तो आज मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, जय श्री कृष्ण का नाम लेकर चालू करते हैं। क्लास 9 में आपने पहला चैप्टर पढ़ा था नंबर सिस्टम, जिसमें आपने बहुत सारे नंबर्स पढ़े, प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ऑड इवन नंबर्स, एक्स वाई जेड जितने भी पढ़े। फिर आपने उसमें पढ़ा था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपांशन और भी एक दो चीजें आपने उसमें पढ़ी थी। फर्स्ट चैप्टर उस जैसा ही है, थोड़ा सा और अलग लेवल पर है, पर आपको वो चीजें आती है क्योंकि आपने 6th, 7th, 8th में उसे पढ़ी हुई रहती है। तो इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। रियल नंबर वही होता है, रैशनल प्लस इरेशनल नंबर आर कॉल्ड एज रियल नंबर। आगे हम रैशनल और इरेशनल की बात करेंगे। अभी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, एक्सरसाइज 1.1, उसमें हमको मेनली यूक्लिड डिविजन लेमा पता होना चाहिए, यूक्लिड डिविजन एल्गोरिदम पता होना चाहिए। ये यूक्लिड भाई साहब एक साइंटिस्ट है, एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक अपनी एक फॉर्मूला निकाला, अपनी एक थ्योरी निकाली, जिसके कारण एक अपन चीज निकालते हैं, चीज जिसको हम बोलते हैं वो है HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन्होंने अपना एक फॉर्मूला निकाला जिससे हम HCF निकालते हैं, और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि HCF निकाल के बताओ दो नंबर्स का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल। तो इनका पहले अपन समझते हैं कि इनका लेमा क्या था, इनका जो भी फॉर्मूला था वो क्या था, फिर अपन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस। देखो, आज जब भी अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं तो आपको पता है इसे हम बोलते हैं क्वोशेंट, इसे हम बोलते हैं डिविडेंड, इसे हम बोलते हैं डिवीजर, इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो बस यही है इनका एल्गोरिथम। देखो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सिंपल है, 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 0। ये है इनका यूक्लिड डिविजन लेमा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। और क्या था, बस यही। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, अगर मैंने डिविडेंड को ए अज्यूम किया, डिविजर को बी इंटू क्यू प्लस आर, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्म में भी अपन इसको लिख सकते हैं क्योंकि आगे इस फॉर्म में कहा गया, कुछ नहीं किया, डिविडेंड की जगह ए लिख दिया, डिविजर की जगह बी लिख दिया। इस फॉर्म में भी हम आगे लिख सकते हैं। ये था इनका यूक्लिड डिविजन, पर हमें तो निकालना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो कैसे निकलेगा वो समझते हैं, वो कैसे दो नंबर का अपन HCF निकाल सकते हैं वो देखते हैं। तब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। ये दो नंबर हमें दिए 135 एंड 225, इन दोनों का हमको HCF निकालना है। अब आप बताइए इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 225। तो वाजिब सी बात है, डिविडेंड भी यही होगा, तो 225 डिवाइड बाय 135, ये आपको डिवीजन तो आता ही है, 135 by 1 = 090। ये मैंने डिवाइड कर, अब मेरी बात सुनो, अब रिमाइंडर आ रहा है 90। अब आगे अपन क्या करते थे, पॉइंट लगाते थे और यहां जीरो लगाते थे, ये अपन बचपन में करते हुए आ रहे, 9th में भी आपने यही किया, डिवीजन में पॉइंट लगाते थे जीरो लगाते, पर यहां ऐसा नहीं करते। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि दोनों नंबर में 135 और 225 ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो दोनों का फैक्टर है, वो होता है हाईएस्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये 90 को एज इट इज रखते हैं, इसके आगे ये लगा दो, और ये 135 जो है अब ये नीचे आया, ये ऐसा जो 135 यहां का डिविजर था पहले वाले में अब वो डिविडेंड बन जाता है, और जो रिमाइंडर था वो डिविजर बन जाता है। वापिस अब वापिस डिवाइड कर देंगे, 91 = 45, फिर वापिस ही ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। अब ये 90 नीचे आ जाएगा,
तो 2 90 0, अब रिमाइंडर 0 आ गया, आ गया ना। देखो प्रोसेस सेम है, पहले 135 डिविजर था, अगले में इसको डिविडेंड बना दिया, फिर जो अगले का रिमाइंडर था उसको अगले का डिविडेंड बना दिया, और जो रिमाइंडर बचता उसको अपन डिविजर बनाते जाते, ये करते जाते, और रिमाइंडर लाना है अपने को 0, सिंपल। पर अभी भी अपना आंसर नहीं आया, बिना आंसर कैसे लाए, सोचो आसान है। देखो ये जो अपन ने किया ना पूरी बात, इसको हम इसके फॉर्म में लिखते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। देखते हैं, पहला था अपन ने डिविडेंड 225 इज इक्वल टू 135 इनटू 1 प्लस 90, पहला ये वाला। फिर दूसरा अपन ने निकला 135 इज इक्वल टू 90 इनटू 1 प्लस 45, ये दूसरा पूरा लिखना है ना तीनों का, 90 is equal to 45 into 2 plus 0, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं। तो इस प्रोसेस में अपन ने इसको लिख दिया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात, कि इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो जब ये अपन ने प्रोसेस लिखी ना, इस प्रोसेस का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि एलसीएफ क्या है। इस केस में जो ये वाला नंबर बचता है ये 45, या ऐसा बोल सकते हैं जो लास्ट वाले को जिसने रिमाइंडर बनाया, जिसने रिमाइंडर 0 बनाया, उस डिवीजर को एचसीएफ कहते हैं, ठीक है, एचसीएफ। तो 45 आपका एचसीएफ हो गया। इस प्रकार कुछ क्वेश्चन करने हैं, आसान प्रैक्टिस लगेगी आज। अब मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पर, वो आपको अभी करना है वीडियो पॉज करके। तो अब सेकंड क्वेश्चन, ये रहा आपके बोर्ड पर, 867 और 255 का आपको एचसीएफ निकालना है, सेम वैसे ही प्रोसेस है जैसे निकला है। वीडियो पॉज कर दीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। तो ये है आपका आंसर जिसका एचसीएफ आ रहा है 51, देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम एचसीएफ निकालना तो सीख चुके, अब उसी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, उसी से हम नए वैरायटी के क्वेश्चन जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है एग्जाम। तो एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5, वेयर q इज सम इंटीजर। अच्छा क्वेश्चन, नया है, समझना पड़ेगा। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव भी होना चाहिए और ऑड भी होना चाहिए, लाइक 1, 3, 5, 7, 9, तो ये पॉजिटिव भी है और ऑड भी है। आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़े, और इसको लिखने का एक और तरीका क्या था, a इज इक्वल टू bq+r, जो मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, जहां q आपका क्वेश्चन है, r आपका रिमाइंडर, ठीक है। और हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, ये जो r होता ना, ये कब, चलो बाद में। अब क्वेश्चन देखो कैसे स्टार्ट करना है, लेट ए बी एन इंटीजर, एक मैंने एक इंटीजर ले लिया, एंड बी इज इक्वल टू 6। अब देखो आप सोच रहे होगे सर ने बी 6 क्यों लिया, 8 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते थे। देखो अच्छा, हमें क्वेश्चन में बोला है 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में चाहिए आंसर, इसलिए मैंने ये 6 लिया, नहीं तो मैं नहीं लेता। अब बच्चे पूछ रहे होंगे ये 135 क्या है, ये बताते हैं क्या है, वैसे कायदे से ये है रिमाइंडर, समझिए क्या है ये पूरी प्रोसेस। देखिए अब जब मैंने बी को 6 लिया है, जब मैंने बी को 6 लिया है, यहां लिख देता हूं bq+6, bq+q+r, जहां बी को मैंने लिया 6, ठीक है। तो यूक्लिड पावर में एक बात बोली, और आप जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब भी आपको ये बात पता चल जाएगी कि कभी भी जो हमारा डिवीजर होता है, जो बी है हमारा यहां पर, रिमाइंडर उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। जो भी आपने क्वेश्चन किया 867 और 250 वाला, उसमें कभी भी डिवीजर रिमाइंडर से छोटा नहीं है, डिवीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर, रिमाइंडर कभी डिवीजर से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बी जो है, जब मैंने 6 लिया है, तो मैं कह सकता हूं कि जो रिमाइंडर होगा वो 6 के बिलो ही होगा,
सिक्स से छोटा ही होगा, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता। तो रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो रही है, पॉसिबल वैल्यूज मतलब क्या क्या वैल्यूज बन सकती है। तो बन सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये वैल्यूज बन सकती है रिमाइंडर की, पॉसिबल वैल्यूज जो आ सकती है क्वेश्चन, क्योंकि रिमाइंडर कितने से छोटा होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए, इसलिए ये पॉसिबल वैल्यूज बन सकती है। अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन, देखिए आपको ये फॉर्म जरूर पता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस, ठीक है, a को मैंने एक इंटीजर लिया है तो a को इंटीजर, b को लिया 6 डाल रहा वैल्यूज पुट करो q प्लस, सिर्फ वैल्यूज पुट करो, पहली वैल्यू पुट करी 0, फिर सेम दूसरी में 6q+1, फिर 6q+2, फिर 6q+3, 6q+4, और एक यहां लिख देता हूं 6q+5, a इज इक्वल टू, ये मैंने सारी रिमाइंडर की वैल्यूज पुट कर दी जो अपना फॉर्म होता है aq = bq+r। अब सर पुट करने का मतलब क्या, क्या होगा पुट करने से, और मैं आपसे पूछता हूं, क्वेश्चन ने बोला है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, क्या बोला, पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, चलो ऑड इंटीजर, ऑड आपको पता है कौन से नंबर होते, 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 7, 9, तो अब मुझे तुम बताओ इसमें से ऑड कौन कौन सा रिमाइंडर, सिंपल एक ये वन वाला, एक ये थ्री वाला, और एक ये फाइव वाला, ठीक है, ये तो ऑड वाले हमको पता चल रहा है। और आप जब भी कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना जिसमें आप वन रिमाइंडर आ रहा होगा, सिक्स को डिविजर लिखे, तो जो आपका डिविडेंट है वो ऑड ही आ रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला है ए को ऑड लेना है, शोडेड यानी पॉजिटिव ऑड, तो अगर रिमाइंडर ऑड नंबर में है तो जो ए है, ए मतलब जो डिविडेंट है वो भी ऑड होगा, वाजिब सी बात, ठीक है। मान लो अगर मैं क्यू की जगह यहां पर टू पुट कर देता तो 6 × 2 = 12, 12 + 1 = 13, तो 13 यहां पर डिविडेंट अपना ऑड आ रहा है। तो ये बात अपने जहन में बिठा लेना कि जहां रिमाइंडर ऑड है वहां जो डिविडेंट है वो भी ऑड ही आने वाला है, प्लस माइनस कर, प्लस करके जो भी है, ठीक है, ये आपको याद है। और अगर वही क्वेश्चन इवन में बोलता तो हम इवन में कर देते इसको, लाइक 0, 2, 4, तो अब आखिरी में आपको लिख देना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is in form of 6q+1, 6q+3 और 6q+, या आपको तो आपका क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे इसी से रिलेटेड, कई पॉजिटिव और इंटीजर से रिलेटेड, फिर हम आपको आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।